लॉकडाउन में ऑनलाइन प्रोडक्ट घर बैठे कैसे खरीदे। फ्रेंड्स, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बाय करते हैं, बट बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप ऑनलाइन प्रोडक्ट घर बैठे मंगा सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन अगर आपका मोबाइल में नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और अपना जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर देकर इसमें लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद तो फ्रेंड्स, एक बात बता दूँ कि इसमें अगर आप ग्रोसरी प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट अगर परचेस करना चाहते हो तो वह बाई अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें अभी वह उपलब्ध नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो उसे आप परचेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट रूल के अनुसार अभी सिर्फ ग्रोसरी प्रोडक्ट ही ऑनलाइन सेल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ग्रोसरी प्रोडक्ट जैसे आप ग्रोसरी में आपको खाने पीने का सामान हो गया, जैसे आपको ग्रोसरी कोई देखे, मैं जैसे ग्रोसरी सर्च करता हूँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो ग्रोसरी में जैसे यहाँ पे हैप्पीलो का आप किशमिश, बादाम, एलमंड्स और भी बहुत सारे ऐसे कुछ फल का कुछ ऐसे बना हुआ, और यहाँ पे काजू बादाम, ये सब सारे आप ग्रोसरी प्रोडक्ट जो परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको ये ग्रोसरी प्रोडक्ट कोई अगर परचेस करनी है तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई पड़ जाएगा कि आपका ये इसका प्राइस कितना है और ये कितना ग्राम का है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है आपको चेक कर लेनी है, और यहाँ पर अगर रिव्यूज देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा यूज किया गया, तो यहाँ पर जितना सारे पब्लिक का जो रिव्यूज़ है, कितने पर जो सेलर या जो परचेस किए हैं वो बायर, वो सारे यहाँ दिए गए हैं। तो आपको यहाँ सिंपली बाय करने बाय नाउ पर क्लिक करनी होगी। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका ये यहाँ पे एड्रेस शो करेगा, तो यहाँ पे एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे चेंज एड्रेस पर क्लिक करके। अगर नहीं तो यहाँ पर सिंपली आपको प्रोडक्ट शो कर रहा है, और उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पे प्रोडक्ट का जो प्राइस है, यहाँ पे 149 इसका प्रोडक्ट का प्राइस और डिलीवरी चार्ज 40 रुपीज़, तो 189 का ये प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे UPI, फ़ोनपे, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करनी है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये जो UPI से आपका अगर पे करना चाहते हैं, अगर आप फ़ोनपे में अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ से आप पे कर सकते हो। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आप सिंपली क्लिक करोगे और यहाँ पर कंटिन्यू करोगे, तो आपको जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ से आप शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप नंबर और एक्सपायरी डेट और ये सब डालकर CVV ये डालकर आपका यहाँ से बाय कर पे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये मैं पेटीएम ATM से नहीं करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, और फ़ोनपे में अगर अकाउंट है फ़ोनपे से भी कर सकते हो, या UPI अदर्स कुछ ऑप्शन है तो UPI से आप यहाँ सिंपली कर सकते हो। UPI का ID यहाँ पर देकर भी आप कर सकते हो पे नाउ। तो आपको जैसा सुविधा मिले फ्रेंड्स वैसे कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करते हो तो ये पे के लिए रेडी हो जाता है। पे करने के बाद आपका एक मोबाइल पे SMS आएगा कि आपका ऑर्डर हो चुका है इस एड्रेस पर, और आपका 1 वीक का। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको फ़ोन पे से मैं करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे कि मैं कंटिन्यू पर क्लिक किया, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग हो रहा है, और यह मेरा जो फ़ोनपे का अकाउंट है इसमें लॉगिन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे का ऑप्शन आया, तो ये पे होने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद मेरा पासवर्ड मांग रहा है, उसके बाद मैं पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ तो ये पेंडिंग शो कर रहा है और ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल यहाँ शो कर रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन है मेरा सक्सेसफुल हो गया, और जो मेरा प्रोडक्ट है वह मेरा बाई हो चुका है। ऑर्डर प्लेस यहाँ देख पा रहे 2 कॉइन्स मैंने जो दिए हैं, और इस ऑर्डर पर मुझे ये प्रोडक्ट है वह डिलीवर हो जाएगा। जैसे और ये जैसे ही ऑर्डर होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कुछ मैसेज जिसके ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया है, तो देख पाएंगे इस प्रकार से। और अगर आप ऑर्डर का स्टेटस देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाइए बैक करके ऑर्डर समरी में, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लाइन पर क्लिक करनी है, उसके बाद यहाँ पे माई ऑर्डर में आ जानी है। उसके बाद यहाँ पे देख पाएगा मैंने जो
यहाँ पर किशमिश का जो ऑर्डर किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है और यह ऑर्डर हो गया है और ये दिखा रहा है कि 15 अप्रैल तक ये आ जाएगा प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये गलती से मैं कर दिया ऑर्डर और इसे कैंसिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करोगे और उसके बाद कैंसिल आइटम यहाँ नीचे में ऑप्शन है, या अगर आप एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो और यहाँ पर रीज़न देना हो किसके लिए मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। तो माई रीजन नॉट लिस्टेड यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। तो ये जो मेरा आइटम है ये कैंसिल हो गया। तो आप जैसे ही यहाँ पे अपना देखेंगे तो ये जो मेरा जो आइटम है यहाँ पे कैंसिल दिखा रहा है डेट में, ये मेरा ऑर्डर में। तो इस प्रकार से ऑर्डर और कैंसिल भी कर सकते हो। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा कि किस प्रकार से आप फ्लिपकार्ट में आप ऑर्डर कर सकते हो। और अगर अभी कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए और ऐसे ही ट्रस्टेड नॉलेज और वीडियो के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय।